अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 7 की शुरुआत मैरी से होती है, जो इंक्रीज के सिर को उसके कब्र से निकालती है, क्योंकि सिर्फ इंक्रीज ही जानते थे कि मार्बो को कैसे हराया जाए। जिसे जानने के लिए वो इंक्रीज की सोल को नर्क से वापिस बुलाती है काले जादू के मदद से। अब आधी रात में इंक्रीज की सोल वापिस धरती पर आ जाती है, जहाँ मैरी इंक्रीज से मार्बो को खत्म करने के उपाय पूछती है, पर इंक्रीज कहते हैं कि उन्हें इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि उन्हें मार्बो को इसके लिए गहराई से जानना होगा, जिसके लिए उन्हें मार्बो के जहाज में जाना होगा, पर मार्बो के मौजूदगी में वहां नहीं जा सकते थे। इसलिए मेरी आज रात अपने घर सबको खाने पर आमंत्रित करती है, जिसमें वो मार्बो और सेबेस्टियन को भी बुलाती है, जिससे इंक्रीज को मार्बो के जहाज पर जाने का मौका मिल सके। इधर तितुबा को पेट्रोस की शक्तियों से पता चल गया था कि जॉन अब भी जिंदा है, इसलिए वो उसका अपहरण कर लेती है और एक खुफिया कमरे में बंदी बनाकर रखती है। वहीं मार्बुक एन से मिलने आती है, और वो एन से काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि मार्बुक के मना करने के बावजूद उसने मैरी को मार्बुक के बारे में बताया। तभी वो एन को एक दूसरा मौका देती है, और आजाद मैरी के घर खाने के दौरान उसे अपने पिता मिस्टर हेल की बुक ऑफ शेडोज मैरी के घर से चुराने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ मौसी अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए सेलेम से छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करना शुरू करती है। अब रात होने पर सारे मैरी के घर खाने पर पहुंचते हैं, और कॉटन वहां सबके सामने एन से शादी के लिए पूछता है, जहां मिस्टर हैथोन भी मौजूद थे। वो अब कॉटन के ऐसे सवाल से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो एन से शादी करना चाहते थे, पर एन अब इस सिचुएशन से थोड़ा घबरा जाती है, इसलिए वो अकेले में बाहर जाती है। वहीं अब जब सारे खाना खा रहे थे कि इसका फायदा उठाकर एन अपने पिता की बुक ऑफ शैडो मैरिज के घर में ढूंढने लगती है, जिससे वो किताब मिल भी जाती है, पर तभी वहां तिबुता आ जाती है, जिस पर एन उस किताब को खिड़की से नीचे फेंक देती है, जो सोच कर कि वो बाद में उसे वहां से ले सके। अब खाने के वक्त अचानक से लिटिल जॉन भी वहां जाता है, जिस पर मार्बुक मैरी से उसके बारे में पूछती है, पर मैरी सच्चाई छुपाकर उसे अपना भांजा बताती है, और फिर वो लिटिल जॉन को अंदर भेज देती है। अब खाना खाने के बाद कॉटन सैमुअल के साथ एक लाश पर पोस्टमार्टम देखने जाता है, क्योंकि सैमुअल पोस्टमार्टम एक ऐसे आदमी पर कर रहा था जो महामारी से मारा गया था। जिस लाश की पेड़ को काटने पर एक अजीब सी लिक्विड निकलती है, जो उस लाश को चीरते हुए जमीन के बहुत ही अंदर चली जाती है, जैसे कि नर्क, जिसे देखकर कॉटन और सैमुअल हैरान रह जाते हैं। अब आगे कॉटन के घर जाने पर इंक्रीज की सोल उससे मिलने आती है, और अब अपने पिता को देखकर कॉटन काफी डर जाता है, जिसके साथ ये एपिसोड 7 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत पिछले एपिसोड के खत्म होने के तुरंत बाद होती है, जहाँ कॉटन इंक्रीज को देखकर डर गया था, जिसके बाद अब इंक्रीज अपने बेटे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी मैरी उसे अपनी शक्तियों से गायब करके अपने घर वापस बुला लेती है। मैरी उनसे मार्बो को खत्म करने का उपाय पूछती है, जिस पर इंक्रीज शर्त रखते हैं कि वो ये तभी बताएंगे जब वो उन्हें अपने बेटे से बात करने की इजाजत दे, क्योंकि वो अपने और कॉटन के बीच की सारी गलत फहमियों को दूर करना चाहते थे, जो ना चाहते हुए भी एक बाप और बेटे के बीच आ गई थी, जिसकी मैरी इजाजत दे देती है, पर इससे पहले वो मार्बो को खत्म करने का उपाय पूछती है। इंक्रीज बताते हैं कि असल में यह मार्बो लूसीफर की प्रेमिका और पत्नी है, और मार्बो की उम्र का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। तब से ही मार्बुक हर कोशिश कर रही है अपने प्रेमी को धरती पर वापस लाने की। मार्बुक दरअसल तब से आज तक बहुत बार मर चुकी है, अलग अलग समय पर, और वो भी अलग अलग जगह पर फिर भी वो मरने के बाद भी वापस जिंदा हो जाती है। वो ये भी रिवील करते है कि मार्बुक ने अपने सबसे पहले शरीर को संभाल कर रखा है, जिसमें उसकी सारी शक्तियां बसी है, और अगर मैरी ने उसे नष्ट कर दिया तो मार्बुक भी खत्म हो जाएगी। पर इंक्रीज ये नहीं बताते कि मार्बुक ने उसका शरीर कहाँ छिपा कर रखा है, क्योंकि वो मैरी को ये बताने से पहले कॉटन से बात करना चाहते थे, इसलिए अब मैरी के पास कोई और चारा नहीं रहता, इसलिए वो मान जाती है। अब आगे जब मैरी लिटिल जॉन से मिलने उसके कमरे में जाती है, तो वहाँ उसे जॉन के बिस्तर पर बहुत सारे मरे हुए पक्षी मिलते हैं। मैरी अब लिटिल जॉन से इसके बारे में पूछती है, पर वो कहता है कि ये सारे पक्षी खुद ही यहाँ आए थे, पर मैरी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उन पक्षियों को लेकर उसके कमरे से बाहर आ जाती है। उसे लगता है कि ये काम जरूर तितोबा का होगा,
क्योंकि वही उसके बेटे के साथ ज्यादा समय गुजारती है। उधर एन अपने पिता की बुक ऑफ शैडो लेकर उसी खुफिया कमरे में जाती है जहाँ उसने अपने माता पिता को मारा था। वो सोचती कि आखिर मार्बो को ये किताब क्यों चाहिए होगा, जिस पर अब एन उस किताब को अपने पालतू चूहे के खून की मदद से खोलती है, पर वो बस एक खाली किताब थी क्योंकि उसमें लिखी हुई बातें से मिस्टर हेल के खून से ही प्रदर्शित होंगी। एन अब एक दीवार पर देखती कि जब उसने मिस्टर हेल को मारा था तब उनके खून के कुछ छींटे उस दीवार पर लग गए थे, जिसको लेकर अब वो उस किताब पर लगाती है, जिस मदद से अब वो जो भी उस किताब में लिखा था उसे पढ़ पाती है। उधर सैमुअल कॉटन के साथ क्रैक की हालत का जायजा लेने जाता है जहाँ रास्ते में उन्हें दिल दहला देने वाला नजारा दिखता है। पूरे रास्ते में पक्षियों की लाशें बिछी थी। वो अब आगे बढ़ते हुए क्रैक पहुंचते हैं जहाँ उन्हें वही लिक्विड दिखता है जो असल में हेल ब्लड था। कॉटन अब देखते ही समझ जाता है कि ये हेल ब्लड है। वो सैमुअल को बताता है कि विचेज नर का दरवाजा खोलने वाली है, पर बेवकूफ सैमुअल को कॉटन की बात पर अब भी भरोसा नहीं होता। अब वहाँ से सीधा कॉटन अपने घर आता है और हेल ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू करता है, पर तभी वहाँ उसके पिता उससे मिलने आते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने नर्क में कॉटन को जलते हुए देखा है। वो नहीं चाहते कि कॉटन की दशा उनकी तरह हो जाए, इसलिए वो यहाँ वापस बस कॉटन को आगाह करने आए हैं। उधर मैरी रात में अपने बेटे से मिलने आती है जहाँ उसे संदेश हो जाता है कि लिटिल जॉन के कमरे में उसके सिवा और भी कोई मौजूद है। जॉन बताता है कि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था और फिर मैरी को अपने कमरे से गुस्से से निकाल देता है, जहाँ आगे हमें पता चलता है कि लिटिल जॉन की दोस्त और कोई नहीं बल्कि मर्सी है। वो लिटिल जॉन को अपने माँ के खिलाफ बहकाती है और लिटिल जॉन उसके बातों में आ भी जाता है। उधर मेरी काफी उदास थी क्योंकि उसका खुद का बेटा उसके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। फिर तभी वहाँ सैमुअल आता है और वो मेरी को बताता है कि उसे पता चल चुका है कि ये कोई महामारी नहीं है और मेरी एक आम औरत नहीं बल्कि एक विच है, पर वो मेरी से वादा करती है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा, पर बदले में मेरी को उसे विचेस के हर राज बताने पड़ेंगे क्योंकि सैमुअल को लगता है कि विचेस के जादू के पीछे ना खोजी गई विज्ञान छिपी हुई है, जिस बात पर मेरी भी राजी हो जाती है। मैरी अब सैमुअल के साथ इंटीमेट भी होती है और उसे अपनी दुनिया की एक झलक दिखाती है, पर ऐसे में उन्हें सेबेस्टियन देख लेता है। उधर मैरी के ना मौजूदगी में मैरी लिटिल जॉन को अपने साथ धोखे से मार्बुक के जहाज में ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि आने वाले वक्त में लिटिल जॉन के ही शरीर से लॉर्ड डेविल का जन्म होगा। आगे अब मैरी से इंक्रीज मिलने आते हैं जो बताते हैं कि मार्बुक अपने साथ ही अपने पहले शरीर की कॉफिन लेकर घूमती है, जिससे मैरी का अंदाजा लग जाता है कि वो जहाज पर ही होगी। पर इसके पहले कि इंक्रीज और कुछ बोल पाते उनका समय ही खत्म हो जाता है और अब वो वापस से नर्क में चले जाते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड 8 यही समाप्त हो जाती है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 9 की शुरुआत मैरी से होती है जो सैमुअल को उसके क्रैक को लेकर बनाए गए सारे नोट्स जलाने को कहती है, क्योंकि अगर ये नोट्स गलती से किसी के भी हाथ लग गए तो मैरी की असलियत सबके सामने आ जाएगी। इसलिए सैमुअल मैरी के कहने पर उन सारे नोट्स को जला देता है, पर सैमुअल कहता है कि इन नोट्स को जलाने से उनका कुछ नहीं होगा क्योंकि कॉटन ने क्रैक की हालत देख ली है और उसे मैरी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर मैरी सैमुअल से इस बात को उसके ऊपर छोड़ देने को कहती है। अब अगले दिन जब मैरी लिटिल जॉन को कमरे में खाना देने जाती है तो उसे वहाँ लिटिल जॉन नहीं मिलता, तभी वहाँ मार्बुक भी आ पहुंचती है, जिससे मैरी को समझ आ जाता है कि इस काम के पीछे जरूर मार्बुक का ही हाथ होगा। मार्बुक उसे बताती कि आने वाले समय में लॉर्ड डेविल उसके बेटे के शरीर से ही जन्म लेंगे, जिसके लिए मैरी को अपने बेटे का त्याग करना होगा। वो आगे कहती कि उसे बहुत बड़ा मौका मिला है और उसे ये मौका यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, पर मैरी ऐसा करना नहीं चाहती थी, भला कौन ही अपनी माँ अपने बेटे को खोना चाहती होगी। आगे मार्बुक मैरी को बताती कि कल ही रात उन्हें लिटिल जॉन को हेल ब्लड में डुबोना होगा, जिससे लॉर्ड डेविल का जन्म होगा, और अगर मेरी कल क्रैब समय पर नहीं पहुंची तो जबरदस्ती मार्बुक को ये काम पूरा करना होगा, जो धमका कर वहां से चली जाती है। उधर कॉटन के घर मिस्टर हैथोन आते हैं क्योंकि उन्हें बोस्टन से ये पता चल चुका था कि कॉटन के सलेम आने पर रोक लगाई गई है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, पर कॉटन मिस्टर हैथोन को बताता है कि सलेम को भी उसकी जरूरत है वरना विचेस इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। वो मिस्टर हैथोन को अपने साथ सैमुअल के पास ले जाता है और सैमुअल को कल रात को जो उसने क्रैक में देखा वो मिस्टर हैथोन को बताने को कहता है, पर सैमुअल साफ इनकार कर देता है कि उन्होंने तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। कॉटन अब सैमुअल की ऐसी बातों से काफी हैरान हो जाता है, उसे लगता है कि सैमुअल को किसी विच ने अपने काबू में कर लिया है, इसलिए
इसलिए वो खुद मिस्टर हैथोर्न को लेकर क्रैक जाता है, जहाँ पहुँच कर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ कहीं पर भी हेलब्लड नहीं था। कॉटन अब सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि ये विचेस के द्वारा बनाई गई एक चाल है, पर कोई भी उसका यकीन नहीं करता। सबको यही लगता है कि कॉटन झूठ कह रहा है। उधर मैरी से मिलने सेबेस्टियन आता है, जो उसे बताता है कि उसे सैमुअल जैसे आम आदमी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए था, ये उस जैसी रानी को शोभा नहीं देता। इसकी बात सेबेस्टियन उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर उसे अपना बेटा जिंदा चाहिए तो उसे सैमुअल को मारना होगा। और तभी वहाँ सैमुअल भी आ जाता है, जो विचेस के जादू के बारे में और जानना चाहता था। सेबेस्टियन अब सैमुअल को अपने साथ लेकर क्रैक जाता है, ये कहकर कि वो वहाँ सैमुअल को दुनिया के विचेस के सारे राज बताएगा। पर वहाँ पहुंचकर सेबेस्टियन सैमुअल को हेलब्लड में फेंक देता है, जिससे मैरी अब बस उसकी होगी। दूसरी तरफ मैरी को भी मारबुक के द्वारा पता चल गया था कि तिबुटा को पहले से ही पता था कि लॉर्ड डेविल का जन्म लिटिल जॉन के शरीर से होगा, और तभी उसने मैरी को यह बात बताना जरूरी नहीं समझा। मैरी अब गुस्से में आकर तिबुटा पर चाकू से हमला करती है और उसकी जान लेने की कोशिश करती है। तिबुटा बचने के लिए मैरी को रिवील कर देती है कि जॉन अब जिंदा है, जो बात सुनते ही मैरी सीधा जॉन के पास जाती है, जहाँ मैरी को पता चलता है कि ये वो जॉन नहीं रहा जिससे उसने प्यार किया था, बल्कि अब ये एक विच हंटर बन चुका है जो बस मैरी को मारना चाहता है। तभी मैरी उसे उनके बेटे लिटिल जॉन के बारे में बताती है, जिस बात पर जॉन को यकीन नहीं होता। पर मैरी जॉन को सब कुछ शुरू से बताती है, जब जॉन जंग में गया था तो उसके बाद क्या क्या हुआ, जिसकी बात जॉन को भी मैरी की बातों पर यकीन हो जाता है। मैरी अब जॉन से कहती है कि वो उसे मार दे, पर उनके बेटे को मारबुक से बचा ले। वहीं उधर मिस्टर हैथोर्न कॉटन को वापस बॉस्टन के लिए रवाना कर देते हैं और उसके साथ कुछ आदमियों को भी भेज देते जो रास्ते में ही उसकी जान ले सके, जिसके बाद फिर मिस्टर हैथोर्न एन से शादी कर पाए। दूसरी तरफ एन अपने पिता की बुक ऑफ शैडोज को पढ़कर अपनी शक्तियों को काबू करना सीख लेती है। वहीं उसे उस किताब से पता चलता है कि इन सब शक्तियों को पाने के बदले में उसे कुछ कुर्बानी देनी होगी, जहां आगे हमें पता चलता है कि ये कुर्बानी ये है कि उसे शैतान के साथ इंटीमेट होना होगा। हर विच को अपनी शक्तियों को पाने के लिए ऐसा करना होता है, और इसी वजह से मिस्टर हेल ने अपनी बेटी को हमेशा इन सारी चीजों से दूर रखा था, जिसकी साथ अब एन को भी अपनी शक्तियां मिल जाती है। दूसरी तरफ मैरी और जॉन भी अपने बेटे को बचाने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड 9 यही समाप्त हो जाती है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम कॉटन को देखते हैं, जिसे सैनिक मिस्टर हैथोर्न के कहने पर बॉस्टन ले जा रहे थे। तभी वहाँ वही मिस्टर हैथोर्न के भेजे हुए आदमी कॉटन पर हमला कर देते हैं और उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जॉन आ जाता है और कॉटन की जान बचा लेता है। जॉन अब कॉटन को बताता है कि उसे एक बच्चे को विचेस के हाथ से बचाना है, जिसमें उसे कॉटन की मदद की जरूरत है, पर जॉन कॉटन को ये नहीं बताता कि वो उसका ही बच्चा है। वहीं कॉटन भी पूरी दुनिया को विचेस से बचाना चाहता था और उसके लिए बस यही एक रास्ता था, उस बच्चे को बचाना, इसलिए वो मान जाता है। अब आगे जॉन मैरी से मिलने जाता है, जहां मैरी उसे बताती कि आज रात वो अपने बेटे को बचाने के लिए वो कुछ ऐसा करने वाली जो उसने पहले कभी नहीं किया, और इसी प्लान के तहत जॉन को लिटिल जॉन को अपने साथ लेकर किसी ऐसी जगह भागना होगा जहां वो सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ मिस्टर हैथोर्न एन के पास जाते हैं, ये खबर लेकर कि कॉटन मारा जा चुका है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अभी तक उनके भेजे गए आदमियों ने कॉटन को मार दिया होगा। पर तभी कॉटन भी वहां जाता है, जो एन को रिवील कर देता है कि मिस्टर हैथोर्न ने उसे जान से मारने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से वो इसमें नाकामयाब रहे, इसलिए मिस्टर हैथोर्न मुंह छिपाते वहां से निकल जाते हैं। कॉटन अब एन को ये भी बताता है कि आज वो दुनिया को बचाने के लिए एक जंग पर जा रहा है और वहां से वो जिंदा लौटेगा या नहीं ये उसे नहीं पता, इसलिए अब कॉटन उसी वक्त एन से शादी कर लेता है और अपनी सारी जायदाद एन के नाम करके अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। एन अब इसके बाद सीधा मैरी के पास जाती है, ये जानने के लिए कि कॉटन आखिर गया कहाँ। मैरी अब उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि अगर उसे अपने पति कॉटन की जान बचानी है तो उसे मैरी का साथ देना होगा। दूसरी तरफ मारबुक लिटिल जॉन को लेकर क्रैक के लिए निकल जाती है, जिसकी जाते ही उसके जहाज में वहाँ मैरी आ जाती है और मारबुक के सबसे पहले शरीर के कॉफिन को ढूंढने लगती है। मैरी को वहाँ पिंजरे में कई छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जिनकी खून से मारबुक नहाया करती थी, इसलिए मैरी सारे पिंजरे के दरवाजे को खोलकर उन्हें आजाद कर देती है। वहीं मैरी को आइजैक भी कैद मिलता है, जो उसे बताता है कि मारबुक अकेली नहीं है, मर्सी भी उसके साथ मिली हुई है। मैरी अब आइजैक को आजाद कर देती है और वहां से भाग जाने को कहती है, पर आइजैक डॉली को ढूंढने चला जाता है क्योंकि उसे अब भी विश्वास था कि डॉली अब भी जिंदा होगी। उधर क्रैक में मैरी भी आ जाती है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि यही उसका प्लान था। वो मारबुक का ट्रिक इस्तेमाल करके एक समय में दो जगह मौजूद थी, पर मारबुक ये समझ ही नहीं पाती। उधर
मर्डर जहाज में मैरी को अपनी शक्तियों की मदद से मार्बो का कॉफिन मिल जाता है, पर मार्बो की लाश को उठाते ही मैरी का शरीर जलने लगता है। लेकिन किसी भी तरह मैरी मार्बो की लाश को लिए क्रैक पहुंच जाती है। वो अब मार्बो को धमकी देती है कि अगर उसने उसके बेटे को नहीं छोड़ा तो वो उसकी लाश को जला देगी। इसलिए अब मार्बो को ना चाहते हुए भी लिटिल जॉन को छोड़ना पड़ता है, जिसका फायदा उठाकर जॉन अपने बेटे को वहां से लेकर निकल पड़ता है और पेट्रोस के घर में जा पहुंचता है। इधर मैरी को मिस्टर हैथोर्न गिरफ्तार कर लेते हैं। इस सजा में कि उसकी शादीशुदा होने के बावजूद भी सैमुअल एक अनजान आदमी के साथ रात बिताई थी। असल में मिस्टर हैथोर्न भी मार्बुक और सेबेस्टियन के साथ मिले हुए थे और मार्बुक पहले से ही जानती थी कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उसने मिस्टर हैथोर्न को पहले ही अपनी तरफ कर लिया था। वहीं अब भी दो रात बचे थे लिटिल जॉन का त्याग करके डेविल लॉर्ड को धरती पर लाने में, इसलिए मार्बुक और सेबेस्टियन लिटिल जॉन को ढूंढने में लग जाते हैं, जिसकी साथ ही एपिसोड 10th यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।